सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ड्रॉप इन पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले नई अटैक स्ट्रेटजी के बारे में। जैसे मैं यहाँ पर आपको वार में दिखाऊँ तो यहाँ पर एक बंदे ने यहाँ पर हमारे जो नंबर वन पर है सुपर ट्रूपर, उसको उन्होंने 3 स्टार की थी। जो अटैक स्ट्रेटजी बेसिकली वो बॉलर्स थी, उसके साथ कुछ ट्रूप्स की कॉम्बिनेशन थी। यहाँ पर एक और अटैक हुई थी गाइस, हमने मेरे या क्लैन से एक अटैक किए थे एक बंदे ने, उसका नाम है बटर। सो यहाँ पर एक और अटैक हुई थी, एक साउथ कोरियन बंदे ने की थी, और सेम अटैक यहाँ पर नंबर 7 ने फिर से की थी ये गॉड फादर के ऊपर। जो अटैक थी ये गाइस वो आइस गोलेम्स एंड बॉलर्स के रिलेटेड थी। तो यहाँ पर मैं आपको पहले कॉम्पोजिशन दिखा दूँ उस अटैक स्ट्रेटजी के बारे में। तो यहाँ पर 2 अटैक हुई थी गाइस, बेसिकली सेम अटैक है गाइस। एक अटैक में आपको बेसिकली बॉलर्स ली गई थी और आइस गोलेम, और सेकेंड में भी बॉलर्स एंड आइस ली गई थी। बट फर्स्ट वाली में वो है कि गाइस एक में आपको क्वीन वॉक ली गई थी, और सेकंड वाली में क्वीन वॉक को एलिमिनेट कर दिया गया था। सो गाइस इसी अटैक स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, इन दोनों अटैक के बारे में। आपको लाइक जो आपको सूटेबल हो वो अटैक स्ट्रेटजी ट्राई कर सकते हो। आपको अगर आप AQ से ओके हो क्वीन वॉक से, अगर आप प्रो क्यून वॉक में, तो आप ट्राई कर सकते हो क्यून वॉक के साथ। अगर आप नहीं चाहते हो क्यून वॉक में करूँ, तो आप नॉर्मल अटैक कर सकते हो बॉलर्स के साथ। सो गाइस उससे पहले चैनल पर जो भी बंदे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू वाला बेल आइकन दबाना, वीडियो पर लाइक ठोक देना, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो के टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो। तो गाइस पहले हम ट्रूप कॉम्बिनेशन के अगर बारे में बात करें, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो ट्रूप्स लिए गाइस, यहाँ पर आपके पास 4 आइस गोलेम्स है, 18 बॉलर्स, 1 पेका, 4 हीलर्स, 7 वॉल ब्रेकर, 1 बेबी ड्रैगन, 1 मिनियंस एंड 1 लून। और स्पेल्स में गाइस यहाँ पर है हमारे पास 3 रेड स्पेल, 1 जंप स्पेल, 2 फ्रीज एंड 1 पॉइजन CC के लिए। सो गाइस ये बेसिकली हमारा फर्स्ट आर्मी स्लॉट है। और सेकंड में बात करें तो सेकंड में भी सेम है गाइस, बेसिकली इसमें आपके पास 5 आइस गोलेम ली गई है, और 7 आपके पास विचेस है, 15 बॉलर्स है, 1 पेका, 1 विजर्ड, 2 आचर। इसमें गाइस स्पेल्स में भी सेम है, बस इसमें एक एडिशनल जो हमारी जंप स्पेल वो ली गई थी, क्योंकि यहाँ पर बॉलर्स ली नहीं गई है, और बाकी सब कॉम्बिनेशन सेम है। तो पहले गाइस हम हीलर्स के बारे में बात करते हैं। हीलर्स के अटैक के यहाँ पर देखते हैं पहले हम कि हीलर्स जो अटैक हुई थी गाइस वो कैसी हुई थी। तो गाइस यहाँ पर हमने पिछले बार जो हमारा वार हुआ था, तो पहले मैं आपको नंबर 1 पर दिखाता हूँ जो अटैक हुई थी। यहाँ पर नंबर 7 ने की थी, एक साउथ कोरियन क्लैन है जिसने अटैक की थी। जैसे यहाँ पर देख सकते हो बेस काफ़ी अच्छी है, लेकिन उस बेस के उन्होंने 3 स्टार की थी। तो यहाँ पर गाइस अटैक स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली आपको गाइस क्वीन वॉक से स्टार्ट करना है, उसके पीछे आपके जो हमारा वार्डियन है गाइस उसको डिप्लॉय करना है। सो गाइस यहाँ पर अटैक काफ़ी अच्छी जा रही है, और जो क्वीन है गाइस वो काफ़ी अच्छी फनल कर रही है। यहाँ पर गाइस आपको ध्यान रखना है आपके जो वॉल ब्रेकर से वो टोटली कंपार्टमेंट्स ओपन करनी पड़ेगी। अगर आपके कंपार्टमेंट्स अच्छे से ओपन हो गए, तो अगर जो हमारी क्वीन है गाइस वो अगर कोर तक चली गई, तो अटैक यार कोई रोक नहीं सकता 3 स्टार होने से। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी आइस गोलेम्स और बॉलर्स थी उसकी भी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। यहाँ पर आइस गोलेम्स जितने भी थे हमारे उसको डिप्लॉयमेंट कर दिया गया, और साइड से हमारे कुछ बॉलर्स को डिप्लॉय किया गया ताकि वो फनल क्रिएट करे, जो हमारे रेस्ट बॉलर्स है गाइस जितने बचे हुए बॉलर्स वो ताकि कोर में जा सके। तो यहाँ पर कोर में जाने के लिए गाइस बेसिकली आपको जो हमारा वॉल ब्रेकर है गाइस उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस जो वॉल ब्रेकर है हमारा टोटली कोर्ट पर जा चुका है। जो टाउन हॉल की यहाँ पर है गाइस वो टोटली हमारा लाइक 5 या 6 वॉल्स को तोड़ के कोर्ट पर पहुँच चुका है। यहाँ पर कोर में पहुँचने के बाद जो हमारी वॉल ब्रेकर का अंदर जो ट्रूप्स थी गाइस बेसिकली आइस गोलेम्स एंड पेकास, उसके ऊपर रेज डिप्लॉयमेंट की गई, ताकि जो रेज डिप्लॉयमेंट होगी गाइस उससे जो हमारा टाउन हॉल है वो टोटली ब्रेक हो सके, क्योंकि टाउन हॉल खुद एक डिफेंस है। यहाँ पर जो गाइस आपके पास जो फनलिंग ट्रूप्स थे उसको भी डिप्लॉय कर सकते हो साइड से, अगर आपको लगे कि 1-2 डिफेंसेस बची हुई है, क्योंकि फनलिंग ट्रूप्स काफ़ी अच्छी काम करती है आपको कोई भी बेस को 3 स्टार करने में। यहाँ पर गाइस क्वीन जो हमारी वार्डन की एबिलिटी वो भी इस्तेमाल हो चुकी है, और जो हमारा गाइस यहाँ पर देख सकते हो रॉयल चैंपियन वो भी काफ़ी अच्छी काम कर रही है। सो गाइस टोटली बेस खत्म हो चुकी है। यहाँ पर जो मैंने जैसे बोला था यहाँ पर मिनियंस भी ली गई थी, तो एक मिनियंस यहाँ पर काम आई गाइस को, जो एक गोल माइन थी गाइस उसको लाइक कोर में थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए चाहिए होती है, नहीं तो आपके जो ट्रूप्स गाइस वो लाइक बेस के टोटली लाइक बोल सकते हो 360 कॉर्नर राउंड नहीं मार सकते। तो यहाँ पर गाइस काफ़ी अच्छी काम किया, जो हमारी रॉयल चैंपियन की एबिलिटी भी थी वो भी काफ़ी अच्छी काम की, और उनकी जो एबिलिटी थी सील थ्रोइंग गाइस उससे 2-3 जो ऑब्स्टिकल्स थे गाइस वो ख़त्म हो चुके हैं। और ये बेस को गाइस टोटली कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये बेस टोटली ब्रेक हो चुकी है, और यहाँ पर कुछ बची नहीं है एक्स्ट्रा चीज़। और यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ बची है गाइस, बेसिकली यहाँ पर आपकी डार्क लेजर स्टोरेज बची हुई है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी जल्द, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो को ये फॉरवर्ड करता हूँ गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो ये अटैक काफ़ी अच्छी गई है, इसकी जो क्वीन थी अभी तक बची हुई है क्वीन वॉक वाली। सो गाइस अगर आपकी क्वीन वॉक अच्छी गई तो आपकी क्वीन बच जाएगी। सो गाइस आपको मैं सेम अटैक दिखाऊंगा इस हीलर्स के साथ ही, क्वीन वॉक के साथ जो सेम बंदे ने की थी। यहाँ पर जैसे देख सकते हो गॉडफादर के ऊपर आई थी नंबर 7,
तो गाइस इसकी जो ट्रूप कॉम्बिनेशन है बेसिकली टोटली सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं गई। इस अटैक को स्टार्ट की गई थी गाइस 12 o'clock से, और आपके 12 o'clock से 3 o'clock के बीच में आपको ट्रूप्स को डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पर 12 o'clock से स्टार्ट होगी क्वीन वॉक, उस बेस प्रीवियस बेस जैसे आपको मैंने दिखाया था वहाँ पर भी 12 o'clock से क्वीन वॉक स्टार्ट हुई थी, और उसके पीछे बॉलर्स थे। तो गाइस यहाँ पर भी हमारी काफ़ी अच्छी चल रही है अटैक। यहाँ पर जो गाइस आपके वॉल ब्रेकर से वो इस कंपार्टमेंट को ओपन करेंगे जहाँ पर आपकी ग्रैंड वार्डियन की स्टैचू रखी गई है। सो गाइस इसकी भी अभी जो हमारा सो गाइस यहाँ पर पहले वॉल ब्रेकर्स डिप्लॉय की गई ताकि उसकी कंपार्टमेंट ओपन हो। तो कंपार्टमेंट ओपन हो चुकी है गाइस विजर्ड के यहाँ पर। इस अटैक को गाइस 12 o'clock एंड बिटवीन 9 o'clock के बीच में स्टार्ट होगी। तो गाइस यहाँ पर जो हमारे पास 4 आइस गोलेम्स थे उसको डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। यहाँ पर हमारे ये आपके 9 o'clock पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बॉलर्स को डिप्लॉय की गई थी 2 या 3 ताकि वो फनल क्रिएट कर सके जो हमारे रेस्ट ऑफ बॉलर्स है गाइस वो कोर में जा सके। कोर में जाने के लिए गाइस बेसिकली आपको वॉल ब्रेकर्स को अच्छे से डिप्लॉय करना पड़ेगा ताकि वो सेंटर तक जाए और वॉल्स कंपार्टमेंट ओपन करे ताकि जो आपके जितने बॉलर्स वो अंदर जाए। यहाँ पर गाइस अच्छे से देख सकते हो कि बॉलर्स जो थे गाइस वो डिविएट हो चुकी थी, पर उसके डिविएशन को रोकने के लिए आप कुछ वॉल ब्रेकर्स को अपने पास रख सकते हो एक्स्ट्रा, आप सब वॉल ब्रेकर्स को इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पर गाइस जो क्वीन की एबिलिटी थी, किंग की एबिलिटी थी और पेका की, उसने उस कंपार्टमेंट जो थी गई वॉल्स को उसको तोड़ के यहाँ पर आ चुकी है। और जो हमारा जंप स्पेल था गाइस जो हमने लिए थी यहाँ पर, तो वो जंप स्पेल भी काफ़ी अच्छी काम की इस बॉलर्स को कोर तक भेजने के लिए। यहाँ पर गाइस बेस को भी टोटली ख़त्म होने से कोई रोक नहीं सकता कि यह बेस टोटली ब्रेक हो चुकी है। हमारी जो क्वीन की एबिलिटी वो बची हुई है और हमारा किंग की एबिलिटी भी बची हुई है गाइस यहाँ पर, और हमारे पास एक एक्स्ट्रा रेड स्पेल बची हुई है। ये रेड स्पेल गाइस यहाँ पर स्पेल्स यहाँ ट्रूप्स पर इस्तेमाल होने वाली है, फाइनली हो चुकी है। और जो स्कैटर शॉट थी वो टोटली डिमिस्ड हो चुकी है। और हमारे पास कुछ बॉलर्स है गाइस जो साइड में चल रही है, आप यहाँ 3 o'clock में देख सकते हो। तो टोटली गाइस ये बेस भी खत्म हो चुकी है। जो हमारी डिफेंडिंग लावा आउट थी वो भी पप अप हो चुकी है और उसकी पप से गाइस वो काफ़ी कम है। और हमारे पास आर्चर क्वीन है जो आसानी से इसकी ख़त्म कर सकती है। सो गाइस यहाँ पर टोटली बॉलर्स ने हर एक बेस को तोड़ दिया। सो गाइस इस अपडेट के बाद बॉलर्स काफ़ी पावरफुल हो चुकी है, जैसे आपको पता है 4 की बॉलर्स जो आई है और इसकी ब्लू लुक काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ इसके ऊपर। सो गाइस यहाँ पर टोटली बेस खत्म हो चुकी है। विजर्ड टावर गई या लास्ट डिफेंसेस बची हुई जो हमारी कैनन और बॉम्ब टावर कैनन टावर भी गई गाइस। एक लास्ट बची है गोल माइन, वो भी खत्म। सो गाइस ये रही हमारी एक और 3-star अटैक। सो गाइस आपको मैं सेम अटैक दिखाने वाला हूँ एक, उसमें हम यहाँ पर क्वीन वॉक नहीं करने वाले। सो गाइस वो क्वीन वॉक हटा के उसमें सिंपल सी अटैक है सेम स्ट्रेटेजी के साथ। तो यहाँ पर नंबर 1 पर हिट हुआ अटैक, यहाँ पर पहले हम यहाँ पर इसके स्टार्ट करते हैं। इसकी जो बेस है गाइस वो भी काफ़ी टफ थी, पर फिर भी हमारी जो क्लैन के एक बंदे थे उसने कर दिया। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये अटैक में गाइस बेसिकली जैसे मैंने बोला था, इस पर आपको क्वीन चार्ज नहीं करनी है। बेसिकली आपको आप जितने आपके आइस गोलेम्स उसको डिप्लॉय करने हैं, उसके बाद आइस गोलेम को डिप्लॉय करने के बाद आपको अपने विचेस को स्प्रेड आउट करके स्प्रेड करना है। उसके बाद आपको जितने भी आपको बस बॉलर्स है उसको भी स्प्रेड आउट कर देना है ताकि वो आपके बेस जो होगा गाइस वो साइड से फनल क्रिएट कर सके। अब सेंटर में आपके कुछ बचे हुए बॉलर्स को डिप्लॉय करना है ताकि वो बॉलर सेंटर तक जा सके, ताकि आपके जो टाउनल गाइस उसको तोड़ सके सेंटर में। और फिर आपके जो वॉल ब्रेकर गाइस वो काफ़ी की काम करती है आपको बेस के कोर के कंपार्टमेंट ओपन करने में। और यहाँ पर आपने जो गाइस जंप्स पे ली थी, क्योंकि यहाँ पर 2 jumps पे ली गई थी गाइस, क्योंकि आपके पास क्वीन वॉक नहीं थी ना बॉल ना वॉल ब्रेकर थी, ताकि वो आपके जो बॉलर से कोर तक जा सके। और यहाँ पर वार्डन की जो एबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी काम कर रही है। और यहाँ पर जो हमारा रॉयल चैंपियन थी गाइस उसकी भी डिप्लॉयमेंट हो चुकी थी, पर उसकी डिप्लॉयमेंट काफ़ी लेट हुई। अगर उसे हम डिप्लॉयमेंट पहले करते तो काफ़ी अच्छी काम करती, पर फिर भी गाइस ये जो रॉयल चैंपियन उतनी इफेक्टिव नहीं आ रही है। पर हमारी जो बॉलर्स जो कोर तक गए थे और क्वीन और किंग वो काफ़ी अच्छी काम कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो गाइस किंग टोटली टाउनर को तोड़ चुके हैं। यहाँ पर गाइस जैसे मैंने बोला था हमारा जो रॉयल चैंपियन है गाइस वो भी काफ़ी अच्छी काम कर रही है डिफेंसेस को तोड़ने में। और यहाँ में जो हमारी विचेस है गाइस साइड में यहाँ पर 9 o'clock की तरफ वो काफ़ी अच्छी काम कर रही है, और स्केलिस जो निकल रही है विचेस से वो भी काफ़ी अच्छी क्लीनअप कर रही है ये बेस को टोटली। सो गाइस ये बेस के टोटली तरफ क्लीनअप नहीं हुई है क्योंकि यहाँ के 12 o'clock के तरफ काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स बची हुई है, या फिर बोल सकते हो बिल्डिंग्स बची हुई है। और यहाँ पर जो बीचे से गाइस इसके जो स्केलीस है वो काफ़ी ज़्यादा है कोई भी बेस को ख़त्म करने के लिए। सो गाइस अनलेस कोई विजर्ड टावर या बॉम्ब उस स्केलीस पर काम ना करे या अटैक ना करे तब तक वो स्केलीस रहने वाले हैं, क्योंकि वो स्केलीस काफ़ी पावरफुल है। यहाँ पर देख सकते हो वो कोई भी ऑब्स्टिकल्स या बिल्डिंग्स को एक शॉट में गिरा दे रहे हैं क्योंकि वो नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर गाइस हमारे ग्रैंड वार्डन भी काफ़ी अच्छी काम कर रहे हैं।
कोई भी हीरो बची हुई नहीं है एक्सेप्ट विचेस और उसके स्केलीज एंड वार्डन। सो गाइस वार्डन काफ़ी कम काम करती है जितनी आपकी हमारी जो विचेस है उसकी स्केलीज काम कर रही है। जैसे आप देख सकते हो गाइस विचेस हमारी काफ़ी स्लो है कंपेयर टू द स्केलीज और बार्ड भी काफ़ी स्लो है। तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर जो पॉइजन स्पेल लगी थी उसने डिप्लॉय नहीं की थी बेसिकली, यहाँ डिप्लॉय कर देना टाइम पर। यहाँ पर आ गए गाइस जायंट बॉम्ब, पर गाइस इससे मैटर नहीं करता क्योंकि फाइनली बेस 3 स्टार हो चुकी है और ये बेस गाइस काफ़ी अच्छी अटैक थी। इस अटैक स्ट्रेटजी को आप जरूर एक बार इस्तेमाल करना क्योंकि मुझे लग रहा है यह अटैक काफ़ी पॉपुलर होने वाली है। आप एक बार गाइड देखो आपसे चल पाती है कि नहीं चल पाती, क्योंकि इस अटैक स्ट्रेटजी में आपको मैंने दो कॉम्बिनेशन दिखाई थी, एक कॉम्बिनेशन आप जिसमें आप क्वीन चार्ज करके कर सकते हो, एक में आप क्वीन चार्ज नहीं कर सकते हो। कुछ बंदे लाइक क्वीन चार्ज में काफ़ी एक्सपर्ट है और कुछ नहीं है, तो आप अगर एक्सपर्ट नहीं है तो आप सिंपल ये अटैक ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर जो अटैक हुई थी गाइस नंबर वन पर वो काफ़ी टॉप प्लेयर थी गाइस, वो उसकी जो बैक से काफ़ी मैक्स आउट थी। अगर ये डाउनवर्ड 13 मैक्स पर काम कर सकता है सो गाइस यू कैन एक्सपेक्ट कि लोअर जो टाउनल 13 की जो स्टार्टिंग में आए हैं या बोल सकती हो जो टूनल 12 से 13 में अपग्रेड हुए हैं उनके डिफेंसेस काफ़ी अपग्रेडेड नहीं है, पर उन पर काफ़ी इफेक्टिव होने वाली है अटैक। सो गाइस ये अटैक काफ़ी अच्छी गई, मैं कुछ और अटैक्स लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।